हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विदाउट बेकिंग विदाउट कुकिंग बहुत ही इंस्टेंट चॉकलेटी केक। इसे बनाना बहुत ही आसान है और झटपट से हम इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूले। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम गनाश बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम व्हाइट चॉकलेट गनाश बना रहे हैं, जिसके लिए हमने 2 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा क्रीम ले ली है अमूल की। अब हल्का सा हम इसे मेल्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने ली है 100 ग्राम के लगभग व्हाइट चॉकलेट। आप इसी तरह से चॉकलेट का भी, जो डार्क चॉकलेट होती है, उसका भी गनाश बना सकते हैं। तो इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना रहता है, बस हल्का सा मेल्ट करना है, इतना ही। तो आप इसे माइक्रोवेव में भी 30 सेकेंड के लिए कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। तो हमारी चॉकलेट गनाश तैयार है, गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है। अब विप क्रीम बनाने के लिए हमने लिए है यहाँ पर 1/2 कप विप क्रीम। ये किसी भी मार्केट शॉप में मिल जाती है, जहाँ बेकरी का सामान मिलता है। 1 टीस्पून हमने वनीला एसेंस डाल दिया है। 2 टीस्पून हम इसमें पिसी हुई चीनी डाल देंगे। अब इसे बहुत ही अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे। क्रीम एकदम चिल्ड होनी चाहिए। तो ये देखिए, हमारी विप क्रीम तैयार है। अब आप इसे कोई भी केक डेकोरेट कर सकते हैं। अब केक बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्लेट में लगा ली है बहुत ही अच्छी तरह से क्रीम। अब इसके ऊपर हम एक ब्रेड का स्लाइस रखेंगे। ये बड़े साइज़ का ब्रेड है और ब्रेड बनाने की रेसिपी भी मैंने आपसे शेयर की है कि बड़े साइज़ की जो ब्रेड है वो कैसे बनाई जाती है, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब इसमें हम बहुत ही अच्छी तरह से व्हिप क्रीम लगाएंगे। मैंने यहाँ पर शुगर सिरप नहीं लगाया है। यदि आपको लग रहा है कि ब्रेड हल्की सी टाइट है तो आप इसमें शुगर सिरप लगा सकते हैं। अब अच्छी तरह से व्हिप क्रीम से कवर अप कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने तीसरी लेयर को भी लगा दिया है और अच्छी तरह से व्हिप्ड कर देंगे, अच्छी तरह से फिनिशिंग कर देंगे हम इसकी। तो बहुत ही अच्छी तरह से फिनिशिंग कर दी है हमने। अब हम इसमें लगा देंगे व्हाइट चॉकलेट गनाश। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो व्हाइट क्रीम से ही, जो व्हिप क्रीम है उतने से ही आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। इस तरह से बहुत ही रिच बनता है। यदि आपके पास व्हाइट चॉकलेट ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं, या फिर आप डार्क चॉकलेट से भी कर सकते हैं। अगर डार्क चॉकलेट ना हो तो आप डेरी मिल्क से भी कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से हम लगा देंगे। अब अच्छी तरह से इसे स्मूथ कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने डार्क चॉकलेट को एक पाइपिंग बैग में भर लिया है। सेम प्रोसेस से हमने इसे भी बनाया है। अब इस तरह से हम इसे किनारे किनारे ड्रिजल कर देंगे, जिससे इसमें बहुत ही अच्छा एक पैटर्न बन के आएगा। ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से हमने सभी तरफ ड्रिजल कर दी है। चॉकलेट ड्रिजल करने के बाद आप इसे फ्रिज में रख दीजिए, जिससे कि अच्छी तरह से सेट हो जाए 5 मिनट के लिए। अब व्हिप क्रीम से हम अच्छी तरह से इसे फ्लावर बना देंगे। बहुत ही सिंपली इजी तरीके से एक केक डेकोरेशन किया है मैंने, जिससे कि यदि आप बिगनर हैं तो आप बहुत ही इजीली घर पर ही बहुत ही अच्छा केक बना सकते हैं। केक बनाने की बहुत सारी रेसिपीज आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगी, तो आप जाकर देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर मीठी वाली जो सौंफ होती है वो लगा दी है। आप चाहें तो इसमें स्प्रिंकलर लगा सकते हैं, बच्चों वाले जैम लगा सकते हैं, या फिर आप चॉकलेट से भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। अब इसे और भी सुंदर दिखने के लिए इसमें चेरी लगा देंगे। आप चाहें तो इसमें टूटी फ्रूटी भी लगा सकते हैं। सभी में हम इसी तरह से लगा देते हैं। अच्छी तरह से हमने चेरी लगा दी है, देखिए। तो ये लीजिए, बनकर तैयार है हमारा बहुत ही टेस्टी इंस्टेंट विदाउट कुकिंग विदाउट बेकिंग झटपट से बनने वाला चॉकलेटी केक। आप इसे घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मेरी मिल सके।